आ गए आप। मैं वसन और आप देख रहे हैं बी ऑसम यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह हम एक ई कॉमर्स वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, और उसके साथ हम इंटीग्रेट करवा सकते हैं पेमेंट गेटवे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। सो लेट्स बिगिन। तो अगर हम सबसे पहले बात करें कि अगर हम कोई वेबसाइट बनाने जाते हैं तो सबसे पहले हमें ज़रूरी होता है डोमेन और होस्टिंग। तो हमारे पास डिफरेंट प्रोवाइडर्स हैं जहाँ से हम लोग डोमेन और होस्टिंग खरीद सकते हैं। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो मैं रिकमेंड आपको करूँगा कि आप क्लाउड सर्विसेज यूज़ करिए लाइक AWS या गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म से। अगर आप बिगनर हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप यूज़ करिए GoDaddy, HostGator या EasyHost जैसी साइट्स को फॉर द डोमेन एंड होस्टिंग पर्पस। लेकिन यहाँ पर जो साइट मैं यूज़ करने वाला हूँ और जो मैं बता रहा हूँ आपको, वो है EasyHost, जहाँ से आप डोमेन और होस्टिंग परचेज कर सकते हैं। इनके प्लान काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल हैं और मैं ये कहूँगा कि आप जो इसका बजट प्लान 1 लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आप बिगनर हैं। उसके साथ आपके पास एक और वेबसाइट भी मौजूद है जो कि है होस्टर PK, आप यहाँ से भी डोमेन और होस्टिंग परचेज कर सकते हैं। और थर्ड वेबसाइट वो है GoDaddy, जहाँ से आप डोमेन और होस्टिंग परचेज कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ EasyHost। मैं ऑलरेडी एक डोमेन और होस्टिंग परचेज कर चुका हूँ और ये जो साइट्स मैंने आपको बताई हैं इनसे मैं डोमेन और होस्टिंग अक्सर परचेज करता रहता हूँ। इनकी सर्विस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो यहाँ पर सिंपल प्रोसीजर है डोमेन और होस्टिंग परचेज करने का। इनके जो वेब होस्टिंग प्लान्स हैं, आपको कोई भी प्लान सजेस्ट कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर आपको जाना है ऑर्डर नाउ में। मैं प्लान 1 सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर आपसे वो पूछेगा कि आपको कौन सा डोमेन और होस्टिंग, यानी कि आपको कौन से डोमेन रजिस्टर करवाना है। तो यहाँ पर आप कोई भी डोमेन ले लीजिए, मैं यहाँ पर एक डोमेन लिख लेता हूँ। आपको यहाँ पर अवेलेबिलिटी भी चेक करनी पड़ेगी कि वीदर ये डोमेन अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है। तो यहाँ पर मैं इसकी चेक अवेलेबिलिटी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर इसने मुझे बता दिया कि डोमेन अवेलेबल है। तो यहाँ पर मैं स्क्रोल डाउन करूँगा, मैं कंटिन्यू पर जाऊँगा। कंटिन्यू पे जाने के बाद वो मुझे मेरा बिल बताएगा कि 2500 पाकिस्तानी रुपीज़। तो यहाँ पर मैं, अगर आप यहाँ पर डेडिकेटेड IP लेते हैं तो आपके 2400 एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे। अगर आप नहीं लेना चाहते, अगर आप बिगनर हैं और आपके भी स्टार्टिंग वेबसाइट है, हर एक साल बाद इसका रिन्यूअल है, यानी कि ईयरली रिन्यूअल के ऊपर ये आप साइट ले रहे हैं, यानी कि डोमेन होस्टिंग परचेज कर रहे हैं। तो जब आपका रिन्यूअल है तब आप एक डेडिकेटेड IP भी ऐड करवा सकते हैं। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप जब आपका स्टार्टिंग है तो आप डेडिकेटेड IP नहीं लें, अगर आपका दिल करे तो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डेडिकेटेड IP पर चेक नहीं लगा रहा, मैं सीधा यहाँ पर कंटिन्यू कर रहा हूँ। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर वो बोल रहा है कि DNS मैनेजमेंट आपको फ्री मिल रही है, तो मैं यहाँ पर टिक लगा रहा हूँ। ID प्रोटेक्शन के वो 400 ऐड कर रहा है, तो मैं ID प्रोटेक्शन अभी नहीं ले रहा, मैं कंटिन्यू पे जाता हूँ। कंटिन्यू पे जाने के बाद वो मुझसे पूछ रहा है यही आपकी चीज़ें हैं लाइक वेब होस्टिंग प्लान आपने लिया हुआ है, आपने डोमेन DNS मैनेजमेंट ये प्लान है आपके पास। और उसके बाद वो मुझे टोटल बिल बता रहा है, यानी कि 2500, और वो चेकआउट कर रहा है। तो चेकआउट मैं कर लेता हूँ यहाँ से। चेकआउट करने के बाद वो मुझसे मेरी डिटेल मांगेगा, अकाउंट डिटेल्स, आपको यहाँ पर अपनी एड्रेस, ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर यहाँ पर आपको दे देना है। उसके बाद वो आपसे आपका अकाउंट का पासवर्ड और अकाउंट कंफर्म पासवर्ड पूछेगा, वो आपको डाल देना है। उसके बाद वो आपसे एक चीज़ पूछेगा कि आप किस तरह पेमेंट करना चाहते हैं। तो याद रखिए, यहाँ पर आपको खाली सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको EasyHost एक ईमेल भेजेगा जिसके अंदर वो आपको बताएगा कि आप किस तरह हमें पेमेंट कर सकते हैं। वीदर आप अगर जैस कैश इजी पैसा से करना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर है, किस नंबर पे आपको भेजना है, अगर आप बैंक डिपॉजिट करना चाहते हैं तो किस बैंक में आपको भेजना है। काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टफुल वेबसाइट है, यानी कि आप ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से इसको यूज़ कर रहा हूँ, और साथ साथ इनकी जो कस्टमर सर्विस है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो आपको यहाँ पर रीड एग्रीमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है और कंप्लीट ऑर्डर कर देना है। कंप्लीट ऑर्डर करने के बाद आपके पास एक ईमेल आएगी जिसके अंदर उन्होंने बताया होगा कि आपकी ये इनवॉइस नंबर है और ये इनवॉइस है, आप जिस तरह पेमेंट करना चाहते हैं। तो सब पेमेंट मेथड की उन्होंने डिटेल दी भी होगी, वहाँ पर आप जाकर पेमेंट कर सकते हैं। जब आप पेमेंट कर लें तो उसके बाद आपको यहाँ पर आना है, उन्होंने वहाँ पर ये लिंक दिया होगा ईमेल के अंदर, यहाँ पर भी आपको पता चल जाएगा कि आप बैंक पेमेंट करना चाहते हैं तो आप स्टैंडर्ड चार्टर्ड, UBL, डिफरेंट मोबाइल पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप जैस कैश, ईजी पैसा, हर तरह से आप पेमेंट कर सकते हैं। इन इन
चीजों पे जाकर उसके साथ साथ जब आप पेमेंट कर लें तो याद रखिएगा, चाहे हम इजी पैसों से करें चाहे हम बैंक ट्रांसफर करें, तो वहां पर एक चीज होती है ट्रांजैक्शन आईडी। ट्रांजैक्शन आईडी आपको नोट डाउन कर लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर जिस ईमेल पर आपने डोमेन होस्टिंग रजिस्टर करवाई है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद आपको आपका इनवॉइस नंबर जो ईमेल में आया होगा वो एंटर करना है। उसके बाद पेमेंट मेथड, अगर आपने इजी पैसा टू बैंक करवाया वो बताना है, अगर आपने बैंक में करवाया तो आपने बैंक बताना है। उसके बाद आपको जाना है ट्रांजेक्शन नंबर। मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि ट्रांजेक्शन नंबर आप जब भी इजी पैसा करवाएं तो उनके पास जहाँ से भी सर्विस करवाते हैं या आप अपने मोबाइल ऐप से करते हैं तो वहाँ पर आपका ट्रांजेक्शन आईडी होता है, वो नोट डाउन कर लीजिए। या आप बैंक ट्रांसफर करते हैं तो वहाँ पर भी आपका ट्रांजेक्शन आईडी होता है, उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। आपको यहाँ पर वो लिखना है, उसके बाद आपने अमाउंट बतानी है कितना अमाउंट आपने सेंड करा है, डेट बतानी है, और यहाँ पर वो वेरीफिकेशन का पूछ रहा है कि 3 + 5 = 8, ये लिख कर आपने कन्फर्म पेमेंट कर देनी है। विद इन अ हाफ एन आवर आपकी कन्फर्मेशन आ जाएगी, आपका डोमेन और होस्टिंग एक्टिव हो जाएगा। जब आपकी डोमेन और होस्टिंग एक्टिव हो जाएगा तो उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह से ईमेल आएगी, और उस ईमेल के ऊपर आपके पास जो होगी वो लॉगिन डिटेल्स मेंशन होगी आपके पास, कि आप इस तरह अपने cPanel पे जाकर लॉगिन कर सकते हैं। तो सिंपली आप यहां से अपने cPanel पे जा सकते हैं, इस लिंक पे जाने के बाद आपका cPanel हो जाएगा। उन्होंने ईमेल के अंदर आपको लॉगिन का आईडी और पासवर्ड भी दिया होगा, आपको यहाँ पर वो लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल देना है। मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये करने के बाद कुछ इस तरह आप अपने cPanel पर आ जाएंगे, यानी कि जो उन्होंने आपको प्रोवाइड करा होगा cPanel। कुछ जो यूजर थे वो प्लेक्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो इजी होस्ट और होस्टर भी है वो आपको cPanel प्रोवाइड करता है, और जो जितने दूसरे होस्टिंग प्रोवाइडर्स हैं वो भी cPanel प्रोवाइड करते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा ईजी भी और साथ साथ काफ़ी लोग इससे फेमिलियर भी हैं। तो यहाँ पर आती आपको इस तरह से एक cPanel मिल जाएगा, जहाँ पर अपनी वेबसाइट का डेटाबेस, वेबसाइट की फाइल्स को मैनेज कर सकते हैं और साथ साथ ईमेल अकाउंट्स मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे पहले इसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, तो आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा होगा सबसे नीचे वर्डप्रेस का, आपको वर्डप्रेस पे क्लिक करना है। मेरी जो साइट है वो thebeawesome.com है, मैंने ये इजी होस्ट से ही डोमेन और होस्टिंग परचेज करी हुई है, मेरी ऑलरेडी साइट रनिंग है, तो मैं इसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल करने लगा हूँ फॉर द ई कॉमर्स। तो ये आपको यहाँ पर ऑप्शन दे देगा वर्डप्रेस का, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंस्टॉल नाउ का बटन क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर वो पूछेगा कि आप इंस्टॉलेशन URL क्या रखना चाहते हैं, दी बी ऑसम। अगर आपके डोमेन पे कोई और साइट रन नहीं कर रही तो आप यहाँ से इसको हटा देंगे, आप डायरेक्टली ऐसे इंस्टॉल करेंगे। अगर आप किसी स्पेसिफिक फोल्डर बनाकर उसको रन करना चाहते हैं, लाइक मैं चाह रहा हूँ कि दुकान नाम का फोल्डर बन जाए, उसके अंदर मेरी साइट पड़ी हुई, और जब कोई URL पे जाए thebeawesome.com/dukaan तब मेरी यानी वेबसाइट हिट हो, अदरवाइज मेरी जो thebeawesome की वेबसाइट है वही चलती रहे। और अगर आप ये चाहते हैं कि डायरेक्ट thebeawesome.com के ऊपर मेरी ये नई ई कॉमर्स की साइट रन हो जाए तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर कोई फोल्डर नहीं बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि मेरी जो साइट है वो एक फोल्डर के अंदर पड़ी हो जो स्पेसिफिकली स्टोर के लिए हो, तो यहाँ पर मैं बना दूंगा स्टोर नाम का एक फोल्डर, यानी कि इस पे मेरी साइट पड़ी भी होगी, यानी कि जो साइट की मेरी फाइल था वो उसमें पड़ी भी होगी। तो यहाँ पर वो साइट नेम पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पर साइट नेम कुछ भी डाल देता हूँ, दुकान शुकान, तो यहाँ पर मैं कुछ नहीं ऐड करता। वो मुझसे पूछेगा मैं पासवर्ड क्या रखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 पासवर्ड रख देता हूँ और एडमिन यूज़र नेम रख देता हूँ। यहाँ पर वो लाजमी मैं आपको एक बात दूँ, जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करने लगे तो यहाँ पर एक ईमेल होता है एडमिन ईमेल, वो मैं आपको हमेशा कहूँगा कि कोई एक्टिव ईमेल यहाँ पर आप डालें, लाइक मेरा जो ईमेल है hasanlatifbhatt@gmail.com मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। बाकी आपको कुछ सेलेक्ट नहीं करना, बाकी आपको सिंपली करना है इंस्टॉल नाउ। इंस्टॉल नाउ होने में तकरीबन 3 से 5 मिनट ये लेता है इंस्टॉल होने में, आपको वेट करना है इंस्टॉलेशन का। तब तक मैं अपने बाकी रिमेनिंग टैब्स को क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है इतनी ज़्यादा। साइट डिस्क्रिप्शन, या हमें साइट डिस्क्रिप्शन ऐड करनी पड़ेगी, दी परफेक्ट प्लेस फॉर, मैं ऐड कर देता हूँ परफेक्ट प्लेस फॉर शॉपिंग एंड दैट्स इट। यूजर नेम ऑलरेडी सेट सबसेट, और यहाँ पर मैं इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। अभी इंस्टॉल हो रहा है, देखते हैं कितने सेकेंड या कितने मिनट ये लेता है इंस्टॉल होने में।
ये हमारा जो साइट है वो इंस्टॉल हो चुकी है हमारी स्टार्ट, हम यहाँ से देख भी सकते हैं। यहाँ पर मुझे लिंक दिया होगा, मैं यहाँ से जाऊँगा तो बोलेगा आपकी वेबसाइट ये रही, स्टोर पे जो हमने यूआरएल बनाया था वो आ गया, और यहाँ पर वो बता रहे हैं कि आप किस तरह इसके एडमिन पैनल को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये रहा एडमिन पैनल इसका, store/wp-admin एडमिन पैनल। मैं आपको इसको दोबारा लॉगिन करके दिखा देता हूँ। जब ये लॉग आउट होगा तो हमने वहाँ पर एक यूज़र नेम पासवर्ड रखा था एडमिन और पासवर्ड 12345। मैं लॉगिन कर लूँगा दोबारा तो मेरे पास यहाँ पर एक एडमिन पैनल ओपन हो गया। यहाँ पर बोल रहा है कि डेटा ब्रीच हो सकता है और मैं पासवर्ड चेंज करिए, तो मैं पासवर्ड चेंज कर दूंगा, लेकिन उसके पहले मैं यहाँ पर आकर बता दूँ कि वर्डप्रेस का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर आपको प्लगइन्स, थीम्स वगैरह सब कुछ आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी फॉर ई कॉमर्स, और यहाँ पर हम करने वाले हैं ई कॉमर्स। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इंस्टॉल करने वाला हूँ एक थीम जो कि है एस्ट्रा। तो मैं यहाँ पर थीम के ऑप्शन पर जाऊँगा। थीम के ऑप्शन के पास जाने के बाद आपको करना है सबसे पहले ऐड न्यू। ऐड न्यू करने के बाद आपको यहाँ पर जाना है, आपको लिखना है एस्ट्रा ASTRA, और यहाँ पर आपको जो सबसे पहली थीम आपको दिख रही होगी वो आपने इंस्टॉल कर लेनी है। इंस्टॉल हो रही है, इंस्टॉल करने के बाद आपको इसको कर लेना है एक्टिवेट। एक्टिवेट करने के बाद आपको सिंपली यहां पर जाना है एस्ट्रा ऑप्शंस में। एस्ट्रा यहां पर, एस्ट्रा आपको काफी बिल्ट इन टेम्पलेट्स देता है यहां पर, जिसके थ्रू आप एस्ट्रा के स्टार्टर टेम्पलेट्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं और साथ साथ आप डिफरेंट चीजें कर सकते हैं। तो यहां पर मैं पहले आपको बता दूं कि यहां पर डिफरेंट गेट स्टार्टेड, आपको गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक कर देना है ताकि वो एक्टिवेट हो जाए एस्ट्रा आपकी वर्डप्रेस के ऊपर। यहाँ पर जब वो एक्टिवेट हो जाएगा यानी कि गेट स्टार्टेड हो जाएगा, तो गेट स्टार्टेड के बाद आपको जाना है एलिमेंटर पे। आपको एलिमेंटर के ऊपर क्लिक कर देना है। एलिमेंटर पे क्लिक करने के बाद वो आपसे पूछेगा कि आप कौन सी थीम इंपोर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर आकर आपको ई कॉमर्स सेलेक्ट कर देना है, और यहाँ पर आपको कर देना है फ्री सेलेक्ट। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट वेबसाइट्स मिल जाएंगी ई कॉमर्स की जो कि एकदम फ्री है, और आप यहाँ से इसको साइट्स को अपने एक्टिवेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मुझे अच्छी थीम लग रही है फॉर द स्टार्टिंग वो ये कॉस्मेटिक स्टोर, तो मैं यहाँ पर जाके सिंपली इम्पोर्ट कंप्लीट साइट कर दूंगा, डिलीट प्रीवियस इम्पोर्ट साइट इम्पोर्ट। तो ये तकरीबन टाइम ले सकता है कंज्यूमिंग, आपके जो नेट की स्पीड होती है इसके ऊपर डिपेंड करता है कितना जल्दी होगा ये। राइट नाउ जो मेरे इंटरनेट की स्पीड है वो थोड़ी स्लो चल रही है, तो ये थोड़ा बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। अगर टाइम कंज्यूमिंग हुआ तो मैं थोड़ी देर वीडियो पॉज कर दूंगा, उसको फिर दोबारा से स्टार्ट करूंगा। यहाँ पर जो हमारा थीम का डेटा है वो इंपोर्ट हो रहा है, तकरीबन 85 और समथिंग इंपोर्टिंग होने वाला है, कंप्लीट होने वाला है, और इंपोर्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर हमारे पास मैसेज शो होने लग गया है कि इंपोर्टेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पर हमको सिंपली जाना है व्यू साइट पर, जो हमारी पहले की साइट थी उसी के ऊपर। तो आप देख रहे हैं कि कंप्लीट साइट हमारी इंपोर्ट हो चुकी है, जो डेटा था, जो कुछ प्रोडक्ट थे वो भी इंपोर्ट हो चुके हैं। अब हमें यहाँ पर इसको स्विच करना है क्लॉथिंग साइट के ऊपर, यानी कि मैं आप पर इसको बना दूंगा शर्ट्स, यानी कि मेंस शर्ट साइट के ऊपर मैं इसको तब्दील कर दूंगा, और आपको बताऊंगा किस तरह आप थोड़ा बहुत कस्टमाइज कर सकते हैं इसको अपने मुताबिक। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जाएंगे अपने ही डैशबोर्ड पर। डैशबोर्ड पर जाने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा होगा, सबसे पहले इसको हम रिफ्रेश कर देते हैं। ये आपकी साइट है, जिस तरह आप देख रहे हैं आप पर आपको कार्ड शो हो रहा है, आपको कॉन्टैक्ट टेस्टिमोनियल्स, शॉप पे चले जाते हैं डायरेक्टली सारे प्रोडक्ट्स आपको दिख जाएंगे यहाँ पर, आपको सॉर्टिंग दिख रही होगी यहाँ पर, डिफरेंट ऑप्शन आपको दिख जाते हैं यहाँ पर जिसके थ्रू आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे सोशल मीडिया आइकन्स एंड एग्जैक्टर, तो होम पे मैं दोबारा चले जाता हूँ। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ किस तरह आप इसको स्विच कर सकते हैं, कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। तो लेटेस्ट प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, साइनअप्स आ रहे हैं हमारे पास, CTAs जो होते हैं
उसके साथ साथ मैं यहाँ पर देखूंगा इसको, अब मैं स्विच करूंगा मेंस साइड के ऊपर, यानी कि जो मेंस की क्लॉथिंग साइड होती है उसके ऊपर मैं इसको तब्दील करूंगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले कर देता हूँ आकर प्रोडक्ट्स में जाऊंगा। प्रोडक्ट्स में जाकर आप देख रहे हैं कैटेगरीज के अंदर जाना है मुझे, और यहाँ पर आप देखना चाहते हैं कि जो ये सारे प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं लाइक ऑल पर्पस बाम एक्सेट्रा, ये सारे प्रोडक्ट्स के अंदर पड़े हुए होंगे आपके पास। लाइक आप देख रहे हैं इस तरह के कैटेगरीज बनी हुई हैं, कैटेगरीज के अंदर प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ कैटेगरीज डिलीट करूंगा, लेकिन डिलीट करने से पहले यहाँ पर मैं अगर इसको मेंस साइड के ऊपर तब्दील कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर मेंस कैटेगरी बनाऊंगा। लाइक मेंस के अंदर मैं बनाऊंगा जीन्स, स्लग आप लिख सकते हैं कुछ भी, मैं जीन्स ही लिख देता हूँ। आप यहाँ पर पिक्चर भी अपलोड कर सकते हैं अगर आपके पास है तो, मैं यहाँ पर जीन्स ऐड कर देता हूँ। मैं आपको टी शर्ट्स, मैं तो डायरेक्टली एक कैटेगरी बना रहा हूँ शर्ट्स की, जिसे मैं टी शर्ट्स और शर्ट दोनों एक साथ ही ऐड कर दूंगा। यहाँ पर मैं एक कैटेगरी बना देता हूँ अभी ट्राउजर्स की, ट्राउजर्स स्लग के अंदर भी ट्राउजर्स। मैं 5 कैटेगरीज बनाऊंगा यहाँ पर, जितनी बन सकी मैं उतनी कैटेगरीज यहाँ पर बनाऊंगा, ट्राउजर शर्ट्स शूज, जो कि सिंपल बेसिक ई कॉमर्स साइड है जो कि इसमें बनाने वाला हूँ मैं। तो शूज कैटेगरी हो गई हमारे पास, तो मैं कैटेगरी देख लेता हूँ, शूज ट्राउजर शर्ट्स जीन्स, मैं वॉचेस भी कर सकता हूँ, वॉचेस वॉचेस कर लेते हैं हम लोग, पर वॉचेस ऐड कर दिए मैंने। ये मैं कैटेगरीज बना रहा हूँ, कैटेगरीज के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सारे प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं, यानी कि जो अभी डेटा इंपोर्ट हुआ है, क्योंकि एक्स्ट्रा का ये फायदा ये होता है कि अगर आप ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं तो आपको ये डेमो डेटा भी इंपोर्ट करता है, ताकि आपके पास जो थीम है उसका ओवरऑल जो लुक है वो अच्छी तरह आ जाए। तो यहाँ पर आपको सारे प्रोडक्ट भी मिल रहे हैं, ये प्रोडक्ट हम आहिस्ता आहिस्ता डिलीट कर देंगे, रिमूव कर देंगे, जब हम दूसरे प्रोडक्ट यहाँ से ऐड करेंगे। तो यहाँ पर वो मुझे ऊपर एक मैसेज दे रहा होता है कि आप वू कॉमर्स, क्योंकि याद रखिएगा वर्डप्रेस के ऊपर वू कॉमर्स के थ्रू ई कॉमर्स साइट्स अब बनती हैं, क्योंकि वू कॉमर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्लगइन्स भी है और ये काफ़ी ज़्यादा आपको चीज़ें इंटीग्रेट करवाने और जो ई कॉमर्स स्टोर्स होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा फिजिबल बनाता है, ईजी बनाया था इंटीग्रेशन के अंदर और पेमेंट इंटीग्रेशन पे खास तौर पर। तो यहाँ पर मैं रन द सेटअप विजिट कर देता हूँ, यस प्लीज। तो यहाँ पर वो आपसे पूछेगा आपका स्टोर कहाँ पर बेस करता है, तो यहाँ पर मैं, अगर आपका कोई लोकेशन है तो आप लोकेशन डाल दीजिए, अदरवाइज आप लीव छोड़ दीजिएगा। मैं यहाँ पर लोकेशन ऐड कर देता हूँ, डिफेंस व्यू फेस 2 शहीद कंट्री पाकिस्तान, पाकिस्तान यहाँ पर कराची का ऑप्शन आ रहा होगा, सिंध, सिंध सिटी मैं कराची ऐड कर देता हूँ, पोस्टल कोड 7550, कंटिन्यू, यस कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे पूछेगा कि आपका जो स्टोर है वो किससे, कौन सी इंडस्ट्री से रिलेटेड है ज्यादा, यानी कि क्या कैटेगरी है उसकी ज्यादा। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ फैशन अपेरल्स है, आप मल्टीपल करके सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो मेरी है वो फैशन अपेरल एंड हेल्थ ब्यूटी मैं कर देता हूँ, कंटिन्यू करूँगा मैं, मेरे फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं। अब याद रहे कुछ, जिससे हम बात करते हैं, कुछ ऑनलाइन प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ फिजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक वर्चुअल प्रोडक्ट्स। तो फिजिकल प्रोडक्ट्स लाइक परफ्यूम आपके पास, टी शर्ट्स, ये फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं। वर्चुअल प्रोडक्ट्स लाइक ई बुक्स आपके पास, कोई सब्सक्रिप्शन, ये वर्चुअल होते हैं। तो मेरे जो स्टोर मैं क्रिएट करने वाला हूँ वो उस पर ज़्यादातर फिजिकल प्रोडक्ट्स होंगे, तो मैं फिजिकल प्रोडक्ट्स ही क्रिएट कर रहा हूँ, मैं और कुछ नहीं कह रहा। अगर आपका है तो आप यहाँ पर मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं, मैं यहाँ पर एक ही सेलेक्ट करूँगा फिजिकल प्रोडक्ट्स, उसके बाद यहाँ से मैं कंटिन्यू करूँगा। हाउ मैनी प्रोडक्ट्स डू यू प्लान टू डिस्प्ले, तो आप बता सकते हैं यहाँ पर कि कितने प्रोडक्ट्स आप डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो यहाँ पर अच्छा ये रहेगा कि आप 1000 प्रोडक्ट्स तक यहाँ पर आप पहले रखें, उसके बाद आपका थ्रेशोल्ड इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 1000 कर देता हूँ। करेंसी सेलिंग एल्फवेयर, करंटली सेलिंग एल्फवेयर, अगर आप कहीं और भी सेल कर रहे हैं लाइक लोग इंस्टाग्राम के ऊपर सेल कर रहे होते हैं, लाइक फेसबुक के ऊपर भी सेल कर रहे होते हैं, बाद में वो स्टोर पे जाते हैं, तो मैं रेकमेंड करूंगा अगर आप नहीं कर रहे तो आप नहीं करिएगा, अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरा जो स्टोर है यहाँ पर मैं अभी सेल नहीं कर रहा, तो यहाँ पर नो सेलेक्ट कर रहा हूँ, अगर आप कर रहे हैं तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आपको पूछेगा जो ये
कस्टम रखा हुआ आपको उसको कस्टम ही रहने दें, तो कंटिन्यू कर दें। प्लगइन आपके पास अब यहाँ पर आपके पास ये सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, यानी कि सक्सेसफुली कंटिन्यू विद माय एक्टिव थीम से आपने यहाँ पर कंटिन्यू कर लेना है। जेट पैक वो पूछेगा आप अपने स्टोर को एनहेंस कर सकते हैं, तो अभी आप इनहेंस नहीं करें, आप अभी नो थैंक्स करके इसको कंटिन्यू कर दें, तो आपको सक्सेस का मैसेज शो करवाएगा। सक्सेस का मैसेज शो कराने के बाद आपका जो ऑर्डर्स का पेज है यानी कि वूकॉमर्स आप ऑर्डर देख सकते हैं, आप अपने कूपन क्रिएट कर सकते हैं फॉर डिस्काउंट एक्सेट्रा। तो यहाँ पर अब बात आती है कि हम यहाँ पर अब कुछ प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे यानी कि इसको कस्टमाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसको कस्टमाइज करने पे। अभी हम लोगों ने जो करा है वो हम लोगों ने करा है कि हम लोगों ने वूकॉमर्स को सेटअप करवा दिया है यहाँ पर। तो अब इसके बाद हम लोग करते हैं कि अपनी साइट के ऊपर हम इसको जब मेंस कैटेगरीज के ऊपर चेंज कर रहे हैं तो हम इसको थोड़ा बहुत अपडेट करते हैं। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा सीधा अपनी साइट पर और यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा एडिट विद एलिमेंटर, तो उस पर मैं क्लिक कर दूँगा। ये लोडिंग हो रहा है, लोडिंग होने के बाद कुछ तरह आपको दिखेगा। तो यहाँ पर मैं मेंस वर्ल्ड लिख देता हूँ, मेंस वर्ल्ड। तो यहाँ पर मैं एक और चीज ऐड कर देता हूँ लाइक बेस्ट प्लेस फॉर मेंस क्लॉथिंग एंड एक्सेसरीज। या व्यू मोर का ऑप्शन, यहाँ पर कुछ चीजें हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर लाइक आप यहाँ पर जाकर कोई भी चीज़ ऐड करना चाहें आप एक्स्ट्रा चीज़ ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अगर इमेज ऐड करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर इमेज ड्रॉप करूँगा तो इमेज ऐड कर सकता हूँ। वीडियो ऐड करना चाहूँ वीडियो, अब मुझे यहाँ पर जो बैकग्राउंड इमेज है इसको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑप्शन आपको दिख रहा होगा एक क्रॉस प्लस, और यहाँ पर आपको करना है सिंपली एडिट सेक्शन। एडिट सेक्शन में आपको जाना है स्टाइल, स्टाइल में ये पिक्चर हमें चेंज करनी है। और ये पिक्चर चेंज करने के लिए मैं सिंपल जाऊँगा google.com पर। google.com पे जाके बाद मैं यहाँ पर करूँगा मेंस बैनर, होपफुली मुझे कोई अच्छा सा बैनर मिल जाए। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि मैं अभी जो बैनर उठा रहा हूँ वो गूगल से डायरेक्टली उठा रहा हूँ। तो यहाँ पर कभी कभार इशू ये होता है कि कॉपीराइट इशू आ जाता है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप या तो फोटोशॉप या तो कहीं यहाँ से वहाँ से बैनर उठाएं जो कि फ्री हो, फ्री ऑफ कॉस्ट आप यूज़ कर सकें। तो मैं गूगल के अंदर भी सेटिंग आती है कि कुछ बैनर्स ऐसे होते हैं जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हो, तो उसका मैं आपको बता देता हूँ। आपको जाना है सीधा सेटिंग्स पे, सॉरी टूल्स पे जाना है आपको। टूल्स पे जाने के बाद आपको सेलेक्ट करना है यूजेज राइट। आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए लेबल फॉर नॉन कमर्शियल एंड रीयूज विद मॉडिफिकेशन, तो ये आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो इससे आपको जो इमेजेस मिलेंगी वो आप रीयूज कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको कुछ बैनर मिल जाएंगे मेंस के जो आपको अच्छे लगे, लाइक फैशन। मैं चेंज होता फैशन पे जाता हूँ, ये मुझे कुछ अच्छा लग रहा है। और मैं जरा सर्च करता हूँ कि कौन सा मुझे बैनर ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मुझे ये बैनर अच्छा लग रहा है जो मैं यूज़ कर सकता हूँ, ये मुझे अच्छा लग रहा है काफ़ी। तो मैं ये जो मैं यहाँ पर सेव इमेज में गया, यहाँ पर जाकर मैंने यहाँ पर सेव कर लिया इसको, सेव इमेज मैंने कर लिया इसको यहाँ पर। और इसके बाद मैं यहाँ पर जाऊँगा दोबारा, तो यहाँ पर मुझे अब जाकर इमेज चेंज करनी है। इमेज चेंज करने के यहाँ पर मैं सेलेक्ट फाइल करूँगा, सेलेक्ट फाइल करने के बाद मैं यहाँ पर मैं इमेज पिक कर लूँगा ये वाली, मैं इंसर्ट मीडिया करूँगा। तो मैं आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी पिक्स इंपोर्ट हो गई मेंस वर्ल्ड। तो यहाँ पर मेंस वर्ल्ड यहाँ पर ये आ गया। तो यहाँ पर अब मैं यहाँ पर आप हेडिंग चेंज कर सकते हैं, सॉल्यूशन परफेक्ट सॉल्यूशन यहाँ पर कुछ भी ऐड कर सकते हैं, एक्सेसरीज वॉचेस एंड क्लोथ्स। आप अपने टेक्स्ट अपनी मर्जी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो ऐड करना चाहिए यहाँ पर आपको ये ऑप्शन दिख रहा होगा। आप यहाँ पर मेंस की पिक्चर चेंज कर सकते हैं लाइक वॉचेस
ट्रेंडेड एंड स्टाइलिश वॉचेस। आप यहाँ पर टैक्स अगर नहीं दिखाना चाहते तो आप नहीं दिखा सकते हैं यहाँ पर टैक्स। आप यहाँ पर क्लिक करना है आपको राइट क्लिक और यहाँ पर आपको डिलीट कर देना अगर आप टैक्स नहीं दिखाना चाहते। यहाँ पर आप वॉचेस की तस्वीर दिखा सकते हैं जिस तरह सेम एडिट कॉलम राइट क्लिक स्टाइल स्टाइल पे जाकर एडिट कॉलम इमेज एडिट इनर सेक्शन स्टाइल इनर सेक्शन में जाकर आपको इमेज चेंज करनी पड़ेगी। आप यहाँ से कोई वॉच की तस्वीर उठा सकते हैं। मैं दोबारा गूगल के ऊपर आऊँगा और मैं आते वॉच की पिक्चर एक पिक करूँगा वॉच मैन समथिंग लाइक दिस इट्स लुक गुड लाइक दिस वन इज गुड। जो वॉच आपको अच्छी लग रही है आप वो उसको पिक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सेव इमेज कर दूंगा। मैं दोबारा यहाँ पर आऊँगा। यहाँ पर आने के बाद मैं चूज इमेज करूँगा। आप इसको फोटोशॉप इलस्ट्रेटर के ऊपर फिर साइजिंग एडजस्ट कर सकते हैं कि जिस तरह आपको अच्छी लगती है आप उस तरह इसको ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर डायरेक्टली अभी ऐड कर रहा हूँ। ये वॉचेस मेरे पास ऐड हो चुकी हैं यहाँ पर। तो अब आप यहाँ पर एक चीज़ और भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पर कोई वीडियो शो करवा सकते हैं लाइक वीडियो ऐड करवा सकते हैं या आप इसका टेक्स्ट जो है वो आप चेंज कर सकते हैं लाइक किस तरह। अगर मैं यहाँ पर आऊँ एडिट इनर सेक्शन करा हुआ है इन्होंने तो मैं यहाँ पर कॉलम की विड्थ चेंज कर सकता हूँ। डिलीट कर आप देख रहे हो कि डिलीट कर सकता हूँ कॉलम और यहाँ पर आपके पास होगा कि बिल्कुल सेंटर के अंदर वॉचेज आ जाएगी। अभी आप देख रहे हैं कि जो इसकी विजिबिलिटी है वॉचेज की वो नहीं दिख रही। तो मैं दोबारा इनर सेक्शन पे आऊँगा और इनर सेक्शन पे मैं यहाँ पर आने के बाद इसकी ओपेसिटी थोड़ी बहुत कम कर दूंगा या मैं इसका बैकग्राउंड ओवरले डाल दूंगा। ओवरले का मतलब ये कि इसके ऊपर एक लेयर सी आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर क्लासिक करके कलर चुन लेता हूँ, एक सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं ब्लैक कलर। थोड़ा सा ओवरले आ गया इसके ऊपर और मैं अगर करना चाहूँ तो ब्लैक ओवरले भी डाल सकता हूँ। वाइट ओवरले थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है तो मैं वाइट ओवरले डाल दूंगा ताकि बैकग्राउंड थोड़ा बहुत ओवरले में हो और जो मेरा टेक्स्ट है वो सामने क्लियरली दिखे। तो ये आपको यहाँ पर इस तरह सेटिंग कर सकते हैं इसको अच्छी तरह। उसके बाद यहाँ पर आप जो जो चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं कि सीजन सेल फ्री शिपिंग आप इसको जो जो आपकी चीज़ें वो आप इसको सेट कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद आपकी जो जो ब्रांड्स हैं आप उसको ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। आपके जो टेस्टिमोनियल हैं हर हैप्पी क्लाइंट्स आप यहाँ पर मैं अगर कुछ भी लिखना चाहूँ तो मैं किसी के थ्रू लिख सकता हूँ कि दे आर वन ऑफ द बेस्ट ई कॉमर्स स्टोर फॉर मैन एंड दे प्रोवाइड द बेस्ट क्वालिटी सर्विस। आप डिफरेंट टेस्टिमोनियल बना सकते हैं यहाँ पर। आप टेस्टिमोनियल की इमेजेस भी चेंज कर सकते हैं लाइक आप किसी की भी इमेज लगा सकते हैं। मैं भी यहाँ पर ये इमेज मेरे पास है तो मैं यहाँ पर ये इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, मैं टेस्टिमोनियल ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर अब आपको शो होंगे यहाँ पर लेटेस्ट प्रोडक्ट। अभी आपके यहाँ पर शो नहीं हो रहे क्योंकि यहाँ पर एडिटर में जो लेटेस्ट प्रोडक्ट का कोड होता है वर्डप्रेस पे वो यहाँ पर शो हो रहा है। तो आपके जो भी लेटेस्ट प्रोडक्ट आप डालोगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपके होम पेज पे शो होने लग जाएंगे। लेकिन लेटेस्ट प्रोडक्ट पे आप जो भी दिखाना चाहते हो वो आप दिखा सकते हो। सेट हो गया साइनअप्स। आपके पास डेटा आपके WP फॉर्म में आ जाएगा जब भी कोई साइनअप करेगा आप। हमारे पास है कि हमने यहाँ पर एक चीज़ ऐड करनी है वो है हमारे पास, बाकी सब कुछ कम्प्लीटली सेट है हमारे पास। हम यहाँ से लोगो भी चेंज कर सकते हैं, वो मैं लोगो भी आपको चेंज करना दिखाया था किस तरह आप लोगो चेंज करेंगे। बाकी सब कुछ हमारा सेट है। अब मुझे यहाँ पर खाली कर देना है अपडेट कि जो हमारी बेसिक चेंजेस हैं वो हो चुके हैं। अब हमें करना है कुछ प्रोडक्ट्स ऐड और उसके बाद हमें यहाँ कर चेंज करना है लोगो, सिर्फ और सिर्फ लोगो, और उसके साथ हमें टेस्टिंग पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करवाना है। तो ये हो चुका है अपडेट। अब अपडेट करने के बाद हम अगर इसको जाते हैं सबसे पहले स्टोर के ऊपर, मैं बाकी लिंक रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि हमारा जो लिंक है वो thebeawesome.com/store है। मैं इसको करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारी वेबसाइट पे चेंजेस आ चुके हैं। और यहाँ पर अब हम बात आती है कि हमें यहाँ पर अपने प्रोडक्ट ऐड करवाने हैं। तो प्रोडक्ट ऐड करने के लिए मैं सबसे पहले देखूंगा कि हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट हम ऐड करवाते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि एक हर प्रोडक्ट हर कैटेगरी के अंदर एक एक प्रोडक्ट मैं ऐड करवा दूँ। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, मैं
डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट नहीं डालना, मैं नेट से यानी कि गूगल से सर्च करके जो मुझे वॉच मिल रहा है मैं उसके मुताबिक उसकी डिस्क्रिप्शन ऐड करके प्रोडक्ट में डाल रहा हूँ। आप जब भी कोई प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन डालें तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप यूनिक डालें, और साथ साथ आप अपने प्रोडक्ट की या आप नेट से पिक्चर उठा सकते हैं लेकिन आप उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करें ताकि उसके ऊपर कॉपीराइट क्लेम नहीं आए। मेरी जो वेबसाइट है ये भी टेस्टिंग के ऊपर है, तो मैं यहाँ पर तस्वीरें नेट से पिक्चर्स उठा रहा हूँ जिसके ऊपर मुझे मालूम है कि कॉपीराइट आ सकता है, लेकिन मैं उसको अभी इसको कमर्शियली यूज़ नहीं करूँगा। मैं इसको खाली अभी फॉर द ट्रेनिंग पीरियड बना रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर अपने जो एक इमेज रोलेक्स की उठाई हुई थी रोलेक्स की वो डालूंगा, और मैं यहाँ पर डेमो डेटा डालूंगा। एक रोलेक्स की पिक्चर मैं यहाँ पर उठा लेता हूँ, मैं यहाँ पर डिफरेंट प्रोडक्ट्स उठा लेता हूँ, मैं यहाँ पर टैग वार उठा लेता हूँ, टैग वार और एक मैं उठा लेता हूँ सिंपल तरीके। तो यहाँ पर मैं चला गया प्रोडक्ट्स में, प्रोडक्ट्स में आने के बाद ऐड प्रोडक्ट, ऐड न्यू पे मैं जाऊँगा। मैं यहाँ तक जीन्स की पैंट भरता हूँ, मैन जीन्स, सिंपल जीन्स मेरे पास जो होती है वो मैं जीन्स उठा लेता हूँ, लाइक ये जीन्स और ये जीन्स मुझे काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल लग रही है। तो मैं पिक्चर्स में पहले आपको बता चुका मैं डायरेक्टली पिक्चर्स लगा रहा हूँ, एक ये जीन्स उठा के मैं लगा देता हूँ यहाँ पे जीन्स। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रोडक्ट का नाम लिखना है, मेरी जो वॉच है वो है टैगवार टैगवार, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ कि मुझे यहाँ पर ऐड मीडिया ऐड करना पड़ेगा कि क्या क्या इमेजेस हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या आपको फिल आउट करना है। यहाँ पर वो सबसे पहले आपसे पूछेगा कि आप मीडिया ऐड करिए, अपने प्रोडक्ट का नाम ऐड करिए, मेरे टैगवार वॉच है। तो यहाँ पर फिर वो आपसे पूछेगा कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो किस कैटेगरी के अंदर आती है, तो यहाँ पर वो आती है वॉचेस के अंदर। मैं यहाँ पर वॉचेस सर्च करूँगा, ये रहा वॉचेस मेरे पास, तो वॉचेस मेरे पास आ गए। यहाँ पर वो आपसे पूछेगा पिक्चर्स मैं लगाता हूँ, लेकिन सबसे पहले पूछेगा कि रेगुलर प्राइस क्या है। मैं यहाँ पर देता हूँ रेगुलर प्राइस, जो मेरे प्राइस आ रहे हैं वो रुपीज़ के अंदर आ रहे हैं, तो अगर ये अराउंड 25,000 की वॉच है तो मैं 25,000 लिख दूंगा यहाँ पर। यहाँ पर इन्वेंट्री का वो आपसे पूछेगा, आपसे शिपिंग का पूछेगा। आपने यहाँ पर इतना काम नहीं करना कि क्या वेट, अगर आप शिपिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर फ्री ऑफ कॉस्ट है तो आप उसको छोड़ देंगे, अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें आपको दिख जाएंगी, आप इसको ऐड कर सकते हैं, इन स्टॉक है या आउट ऑफ स्टॉक है, ऑन बैक ऑर्डर है, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। स्टॉक मैनेजमेंट भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, लाइक आप बता देंगे कितनी क्वांटिटी है आपके पास, लाइक जैसे ये सेल आउट होना शुरू हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये आउट ऑफ स्टॉक चला जाएगा। अगर आप ये करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते तो आप इसको अनचेक कर देंगे। तो यहाँ पर मेरे पास तो अभी इसको अनचेक करके रख रहा हूँ। जनरल के अंदर मैंने इसको प्राइस बता दिया कि 25,000 रुपये सेल, अभी तक मैंने इसके ऊपर नहीं लगाई है। प्रोडक्ट के ऊपर आप प्रोडक्ट की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिख दीजिए कि टैगवार मैन वॉच है, एक्सेलेंट डिज़ाइन एंड कलर है, डिसेंट लुक। मैं सिंपल अभी एक डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूँ। तो प्रोडक्ट की इमेज आपको यहाँ से ऐड करनी है, प्रोडक्ट की इमेज टैगवार की हमने एक इमेज डाउनलोड करी हुई है यहाँ ये रही, तो टैगवार की इमेज आप ऐड कर सकते हो। यहाँ से आप ऐड करोगे टैगवार की इमेज, अगर आपकी मल्टीपल गैलरी इमेजेस तो आप यहाँ से मल्टीपल, यानी कि एक प्रोडक्ट के आपके पास मल्टीपल इमेजेस मौजूद है तो आप यहाँ से प्रोडक्ट गैलरी में जाकर भी इमेजेस ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर सेम इमेज ही ऐड कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास प्रोडक्ट की इमेज और नहीं है। तो आप करना चाहते हो और इमेजेस ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ बेसिक एंट्रीज हो चुकी हैं, उसके बाद आप और चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है आपको, आपको सिंपली यहाँ पर जाना है और पब्लिश कर देना है। पब्लिश करने के बाद अब हम देखते हैं कि हमारा प्रोडक्ट किस तरह आता है। तो यहाँ पर वो एक लिंक आपको दे रहा होगा, आप डायरेक्टली इस लिंक के थ्रू भी अपने प्रोडक्ट को लोगों तक दिखा सकते हैं। लाइक ये देख लीजिए, ये प्रोडक्ट आपका आ रहा है, और ये जिस तरह मैंने बोला था कि प्रोडक्ट गैलरी के अंदर आप इमेजेस लगा सकते हैं, तो यहाँ पर भी आप लगा सकते हैं। आगे बाद कैटेगरी आ रही वॉचेस एक्सेट्रा, जो हमने डिस्क्रिप्शन लिखी थी वो यहाँ पर शो हो रही है। अब हम यहाँ पर जाते हैं अपने होम पर, कि होम के ऊपर हमने जो प्रोडक्ट ऐड करा है वो शो हुआ है या नहीं शो हुआ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि शो होता है या नहीं शो होता। तो यहाँ पर अभी ये प्रोडक्ट आप देख सकते हैं कि शो होने लग गया है, लेटेस्ट प्रोडक्ट। तो हम यहाँ पर आके इसको सेलेक्ट कर सकते हैं कि लेटेस्ट प्रोडक्ट शो हो रहा है। बाकी जो प्रोडक्ट है उनको हम आहिस्ता आहिस्ता डिलीट करने लग जाएंगे, तो हम डिलीट कर सकते हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता, ताकि ये प्रोडक्ट जो है वो हमारा
दिखना शो हो जाए। तो यहाँ पर आप दूसरे जो प्रोडक्ट है उनको डिलीट करने लग जाते हैं। तो हम यहाँ पर आते हैं प्रोडक्ट्स में, ऑल प्रोडक्ट्स। ऑल प्रोडक्ट्स के ऊपर मैं यहाँ पर आकर बल्क सेलेक्ट, यहाँ पर आकर मैं डिफरेंट ऑल, सबसे पहले मैं चेक कर लूँगा, मैं खाली इसको अनचेक करूँगा और मैं यहाँ पर मूव टू ट्रैश अप्लाई। खाली मैंने टैग वार का जो अभी पोस्ट डाला है उसको सेलेक्ट नहीं करा, बाकी मैंने सबको डिलीट कर दिया। अब मैं यहाँ पर आकर रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर मुझे एक ही प्रोडक्ट दिख रहा है, क्योंकि हमारे अभी इन्वेंट्री के अंदर एक ही प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर वो एक प्रोडक्ट हमें दिख जाएगा। अब मैं यहाँ पर आके दूसरा प्रोडक्ट इंटर करता हूँ, मैं हर कैटेगरी में एक ही प्रोडक्ट इंटर कर रहा हूँ ताकि आप इसको कर सके। तो यहाँ पर मैं दूसरा प्रोडक्ट करता हूँ कि ब्लैक जीन्स स्टाइलिश नाम का प्रोडक्ट इंटर करता हूँ। अब यहाँ पर मैं इसकी कैटेगरी सेलेक्ट करता हूँ, अब कैटेगरी आएगी जीन्स। जीन्स के बाद आपके इसके प्राइस बता दे रहे हैं, मैं कर देता हूँ 1200। तो अगर ये इन स्टॉक है तो मैं यहाँ पर अब इसको स्टॉक मैनेजमेंट कर देता हूँ कि टोटल क्वांटिटी स्टॉक की है वो 100। अलाउ बैक ऑर्डर्स, नॉट अलाउ। तो यहाँ पर मैं नीचे आता हूँ, स्टाइलिश जीन्स पेंट एंड क्लासिक लुक, सिंपल डिस्क्रिप्शन। अब प्रोडक्ट इमेज, प्रोडक्ट इमेज के लिए हमें यहाँ पर अपलोड करनी पड़ेगी फाइल, जो प्रोडक्ट्स हैं लाइक दिस वे। आप यहाँ पर प्रोडक्ट के ऊपर सेट प्रोडक्ट इमेज कर सकते हैं यहाँ पर आपका प्रोडक्ट, और सिंपली ये पब्लिश हो जाएगा। पब्लिश करने के बाद अब हम जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास हमारा प्रोडक्ट यहाँ पर शो होने लग जाएगा। जिस तरह आप देख सकते हैं प्रोडक्ट हमारे ऐड होना शुरू हो चुके हैं। जिस तरह आप प्रोडक्ट ऐड होते जाएंगे तो आप यहाँ पर उसको कर देते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि अगर हम अपने मेन्यू, जिस तरह आपको ऊपर दिख रहा है ये मेन्यू, के मेन्यू हम चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पर हम शो कराना चाहते हैं कि कैटेगरी वाइज यहाँ पर हमें शो लाइक जीन्स वॉचेस एक्सेट्रा, तो आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। तो मुझे, मैं सिंपली जाऊँगा अब यहाँ पर स्क्रोल डाउन में मैं जाऊँगा अपीयरेंस के अंदर, अपीयरेंस में जाऊँगा मैं मेन्यूज में। मेन्यूज में जाने के बाद अब यहाँ पर आपको सिंपली जो तरीकेकार है वो है कैटेगरीज के ऊपर, मेन्यू क्रिएट कर लूँगा शॉप के साथ। आप टेस्टिमोनियल पे जा सकते हैं, लेकिन मैं टेस्टिमोनियल अभी यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ, मैं इसको बाद में ऐड कर दूंगा टेस्टिमोनियल को, रिमूव, यस। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ, यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको करना है कैटेगरीज। कैटेगरीज के अंदर मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूंगा व्यू ऑल, कैटेगरी यहाँ पर कोई इशू की वजह से, क्योंकि इशू ये आता है कि प्रोडक्ट की कैटेगरी वो शो नहीं करवा रहा होता कभी कभार, तो इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हैं, किस तरह कि आपने यहाँ पर अगर हम मेंस की जीन्स की कैटेगरी क्रिएट करना चाहते हो तो हम इस प्रोडक्ट पे जाएंगे। इस प्रोडक्ट के जाने के बाद हम सिंपली यहाँ पर जीन्स हमें दिख रहा होगा, हम जीन्स पर क्लिक करेंगे और ये हमें डायरेक्टली जो भी जीन्स की कैटेगरी में जो प्रोडक्ट है वो हमें शो करवा देगा। तो आप सिंपली यहाँ पर फिर आप कस्टम क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पर आप ये लिंक डाल दीजिए और यहाँ पर आप कर दीजिए जीन्स और ऐड टू मेन्यू। ऐड टू मेन्यू करने के बाद आप यहाँ पर डायरेक्टली इसको ऊपर कर सकते हैं जीन्स, उसके बाद आप सिंपली दोबारा क्लिक करिए जीन्स के बाद आपने दूसरा जो बनाया हुआ है वो बनाया हुआ है वॉचेस आप ऐड कर सकते हैं सिंपली इसके बाद वॉचेस, वरना वॉचेस के लिए भी आपको सिंपली इस तरह जाना पड़ेगा। आप बैक गए, आप इसके प्रोडक्ट की कैटेगरी के अंदर चले जाएंगे बैक, लाइक ये मैं प्रोडक्ट सेलेक्ट करता हूँ, प्रोडक्ट के बाद मैं यहाँ पर वॉचेस की कैटेगरी में जाता हूँ और ये मुझे वॉचेस का लिंक कॉपी करना है और ये लिंक मुझे यहाँ पर पेस्ट कर देना है और यहाँ पर मैं कर देता हूँ वॉच कर देता हूँ मैं, ऐड टू मेन्यू। इस तरह हम मल्टीपल अपने कैटेगरी के मुताबिक लिंक बना सकते हैं। या आपने मेन्यू सेलेक्ट कर लिया, सेव मेन्यू करने के बाद हम यहाँ पर आकर इसको होम पे जाके देखते हैं कि ये रिफ्रेश हुआ है नहीं हुआ, देख सकते हैं कि रिफ्रेश हो चुका है और यहाँ पर चेंजेस आ चुके हैं। यहाँ पर कोई यूज़र आकर जीन्स सेलेक्ट करता है तो वो जीन्स के डायरेक्टली उसके ऊपर चला जाएगा, जीन्स के प्रोडक्ट के ऊपर सारे के सारे शॉर्टिंग एक्सेट्रा कर सकता है। इस तरह अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर वो मेन्स वर्ल्ड के ऊपर डायरेक्टली वो शॉप का लिंक हम यहाँ पर एक्टिवेट करते हैं, तो यहाँ से वो अभी यहाँ पर बटन एक्टिव नहीं है तो इस बटन को भी हम एक्टिव कर सकते हैं। लाइक इस तरह हम सारे प्रोडक्ट दिखाना चाहते हैं पेज के ऊपर, तो शॉप के पेज के ऊपर हमें सारे के सारे प्रोडक्ट दिख जाएंगे। तो हम इस लिंक को कॉपी करते हैं, हम दोबारा एडिट विद एलिमेंटर पे आते हैं मेन उसके ऊपर। तो यहाँ पर आने के बाद ये लोडिंग लेगा, क्योंकि मैंने पहले मेंशन करा कि मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा है, तो यहाँ पर मेरा बटन है
बटन के ऊपर क्लिक करना, आपको खाली क्लिक करना है तो यहाँ पर वो बोलेगा लिंक, आपको ये लिंक ऐड कर देना है, सिंपल इज दैट, अब आपको अपडेट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको जाना है सिंपली नीचे, अगर आप यहाँ पर दिखाना चाहते हैं कि यूज़र इस बटन के ऊपर क्लिक करें तो वॉचेस के ऊपर चला जाए, तो मुझे सिंपली यहाँ से वॉचेस का लिंक कॉपी करना पड़ेगा, जो वॉचेस की कैटेगरी का लिंक है, जिस लिंक पे भी आप जाना चाहते हैं वो लिंक को आप कॉपी कर लिए। मैं वॉचेस के लिंक पर आया, मैंने लिंक कॉपी करा और मैंने डायरेक्टली फिर आकर इस बटन के ऊपर क्लिक करा तो मुझे दोबारा लिंक का ऑप्शन मिला, मैंने यहाँ पर पेस्ट करा और अपडेट कर दिया। अब मैं सिंपली यहाँ पर दोबारा अपनी साइट पर जाकर देखता हूँ, मेरी साइट पे आप आ सकते हैं यहाँ पर, और टाइप आने के बाद आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर अगर व्यू मोड पे क्लिक करता हूँ तो डायरेक्टली मुझे प्रोडक्ट के पेज पे ले जाता है, तो मेरा बटन भी अब काम करने लग गया यहाँ पर। और उसके बाद अगर मैं वॉचेस पे आता हूँ तो मैं वॉचेस पे क्लिक करता हूँ तो मेरा वॉचेस का बटन भी यहाँ पर काम करने लग गया। अब यहाँ पर बात आती है कि अब मैंने अपनी साइट के ऊपर प्रोडक्ट भी ऐड कर दिया, मैंने अपनी साइट के ऊपर यानी कि जो चीज़ें वगैरह है वो एडजस्ट कर ली हैं, अब मैं यहाँ पर एक से ज़्यादा है मुझे अब अपना लोगो चेंज करना है या मुझे ये चीज़ें दिखानी है, मुझे सिंपल टेक्स्ट दिखाना है, तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा इसी पेज पे कस्टमाइज पर, कस्टमाइज ओपन हो रहा है, कस्टमाइज के बाद आपको सिंपली जाना है हेडर पे, हेडर पे जाने के बाद साइड आइडेंटिटी, साइड आइडेंटिटी के जाने के बाद आप यहाँ से आपका जो लोगो है वो चेंज लोगो आप कर सकते हो, यहाँ पर आप अपना लोगो इंक्लूड कर सकते हो, आपका कोई भी लोगो हो सकता है, आप वो लोगो फाइल अपलोड करोगे और यहाँ पर आप सेलेक्ट करोगे तो आपका लोगो चेंज हो जाएगा, जिस तरह यहाँ पर कॉस्मेटिक का लोगो आपको दिख रहा है वो चेंज होकर आपके लोगो में तब्दील हो जाएगा। अभी मेरे पास यहाँ पर लोगो मौजूद नहीं है तो मैं यहाँ पर सेम लोगो ही रहने दूंगा, अदरवाइज आपको लोगो चेंज करना तो आप यहाँ पर सिंपली लोगो चेंज कर सकते हैं। तो ये मैं आपसे तो कहूँगा बता दूँ कि लोगो चेंज किस तरह होता है, आपको सिंपली इस तरह आप अपना लोगो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है यहाँ पर कि हम किस तरह अपना जो फुटर है यानी कि जो आपको बॉटम के ऊपर फुटर दिख रहा है कॉन्टैक्ट डिटेल, इसको किस तरह चेंज कर सकते हैं, तो भी काफ़ी सिंपल है, आपको जाना है एडिट विद एलिमेंटर और नीचे आपको देखना है साइट फुटर, साइट फुटर जाने के बाद आपको सिंपली करना पड़ेगा यहाँ पर ये फुटर में चेंजेस, अगर आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स चेंज है तो यहाँ पर आप नंबर की टैब पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप अपना नंबर डाल सकते हैं 3 जो भी आपका नंबर हो 9232125084 37, मैं यहाँ पर नंबर डालता हूँ, नंबर अपडेट हो जाएगा, आप अपने लोकेशन चेंज कर सकते हैं लाइक डिफेंस व्यू फेस 2 एक्सेट्रा, आप यहाँ पर सोशल आइकन्स भी अपने जो भी आपका लिंक को आप यहाँ पर लिंक अगर पेस्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आपका ऑटोमेटिकली वो यूट्यूब का लिंक यूट्यूब पे आ जाएगा, अगर आपको रिमूव करना है यूट्यूब तो आप यहाँ पर क्रॉस कर दीजिए वो हट जाएगा, अगर आपको ऐड करना है तो आप यहाँ पर जाकर इसको ऐड भी आइटम कर सकते हैं और यहाँ से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं आइकन लाइब्रेरी में जाकर। आप यहाँ से कोई सा भी स्काइप का लोगो लगाना है तो स्काइप का लगा दीजिए और स्काइप का लिंक दे दीजिए तो आप करना चाहे तो उसको एडिट कर सकते हैं, और साथ साथ आपको लोगो यहाँ भी चेंज करना है तो आप अपना लोगो यहाँ भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है आपके पास के क्विक लिंक्स, आप यहाँ के लिंक भी चेंज कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट के ऊपर कॉन्टैक्ट का लिंक यहाँ से लगा सकते हैं अपने उसके ऊपर उसका लिंक लगा सकते हैं, तो सिंपल तरीका है इसको अपडेट करने का, आप अपडेट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा आपकी साइट के ऊपर। तो यहाँ पर अब बात आती है कि हमारे पास हमने ये चीज़ें अपडेट कर दी, हमारी यूआई जो है वो सेट हो चुकी है, हमारी जो वेबसाइट है वो तकरीबन रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पर बात आती है कि जब यूज़र हमारी साइट पे आया हमारे प्रोडक्ट भी अपडेट हो जाएंगे, हमारी एड्रेस भी अपडेट है, साथ साथ हमारा कॉन्टैक्ट का पेज भी रेडी है ऑटोमेटिकली, ये रहा कॉन्टैक्ट का पेज। अब कॉन्टैक्ट के पेज के ऊपर भी हमें एडिट करना है, थोड़ी बहुत चीज़ें हमें चेंज करनी है क्योंकि ये जो व्यू दिखा रहा है ये दिखा रहा है थोड़ा बहुत लेडीज़ टच, क्योंकि जो थीम हमने पिक करी थी वो लेडीज़ टच थी तो लेडीज़ अपैरल्स के ऊपर थी, तो यहाँ पर भी आपको एडिट करना है एड विद एलिमेंटर। सिंपली कॉन्टैक्ट के पेज को हम थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर लेते हैं लाइक किस तरह हमने यहाँ पर आकर सिंपली एडिट सेक्शन स्टाइल, स्टाइल पे जाने के बाद सिंपली मैं यहाँ पर चेंज करूँगा मीडिया लाइब्रेरी में सेम पिक्चर यूज कर रहा हूँ अभी लाइक मैं ये पिक्चर लगा देता हूँ, मेरी पिक्चर आ गई, यहाँ पर भी मैं सेम एडिट सेक्शन यहाँ पर मेरी सेम पिक्चर आ गई और ये मेरा टच जो था वो मेंस टच में हो गया। यहाँ पर जाकर सेम आप अपनी जो डिटेल्स हैं उसको टच करने के बाद क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं लाइक आपने फ़ोन नंबर चेंज करना है तो आपका फ़ोन नंबर चेंज हो जाएगा +9232125084 37 दैट्स इट, सिंपल आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी अपडेट हो जाएगा, उसके साथ साथ आप अपने एड्रेस भी अपडेट कर सकते हैं।
मैं यहाँ पर अपडेट कर देता हूँ, डिफेंस व्यू फेस टू एग्जैक्ट्रा, आप सिंपल देख कर सकते हैं। और साथ साथ यहाँ पर बात आती है मैप की, तो गूगल मैप के ऊपर भी आप, अगर आपका मैप फिजिकल लोकेशन नहीं है तो आप उसको सिंपली यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं, ये रिमूव हो जाएगा सिंपली। और यहाँ पर एक चीज़ और है कि यहाँ पर पीछे आप देख सकते हैं तो ओपेसिटी के अंदर बहुत कम करके फीमेल की तस्वीर यूज़ हुई भी है, यानी कि जो मैंने पहले बताया जो थीम हमने यूज़ करी है वो जो थीम है वो यूज़ हुई भी है हमारे फीमेल अपीयरेंस की। तो इसको पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पर इसको एडिट सेक्शन करेंगे और यहाँ पर जाने के बाद हम सिंपली कर देंगे यहाँ पर इमेज चेंज, इमेज चेंज करके हम यहाँ पर सेम पिक्चर यूज़ कर देंगे और ये आपकी हो जाएगी चेंज यहाँ से इमेज। तो यहाँ पर हम अपडेट कर देंगे तो हमारा जो कॉन्टैक्ट फॉर्म है वो भी सिंपली हमारे जो मेंस कैटेगरी है उसके ऊपर ई कॉमर्स साइट के ऊपर सेट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर बात आती है, हमने कॉन्टैक्ट पेज भी सेट कर दिया, हमने अपना जो मेन पेज है प्रोडक्ट्स है उन सबको सेट कर लिया। उसके बाद बात आती है हमारे पास कि किस तरह हम अब पेमेंट्स को लेंगे अपने यूजर से। तो अब बात आएगी कि हम पेमेंट गेटवे किस तरह इंटीग्रेट करवा सकते हैं साइट पे। तो यहाँ पर बहुत सिंपल तरीका है, हम यहाँ पर यूज़ करेंगे स्ट्राइप को। तो स्ट्राइप जो है वो पेमेंट गेटवे है जो कि इंटीग्रेट करवाएंगे हम अपने वर्डप्रेस के साथ। तो सिंपल तरीका, आपको यहाँ पर अगर साइनअप कर लेना है, मैं ऑलरेडी यहाँ पर साइनअप कर चुका हूँ, तो आपको सिंपली साइनअप करना है। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह आपको साइनअप करना है, साइनअप करने के बाद आपके पास एक लॉगिन आईडी होगा जिसके थ्रू आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके पास सिंपली ये इस तरह का डैशबोर्ड एक शो हो जाएगा सिंपली। अब आपको सिंपली जाना है यहाँ पर के अपनी साइट के ऊपर, अपनी साइट के ऊपर आपको यहाँ पर एक चीज ऐड करवानी है वो है प्लगइन्स। जिस तरह मैंने पहले जगह करा था एक प्लगइन्स ऐड होगा यहाँ पर, ऐड न्यू प्लगइन में हम जाएंगे, ऐड न्यू प्लगइन के अंदर WooCommerce स्ट्राइप का प्लगइन एक ऐड करेंगे हम यहाँ पर सर्च करने के बाद। तो ये सर्च हो रहा है WooCommerce, देख सकते हैं पहला प्लगइन आ गया, इसको हम इंस्टॉल नाउ करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट करने के बाद वो हमसे पूछेगा कि आप अब यहाँ पर हमें जाना है किस तरफ कि हम इसके अंदर डिटेल्स ऐड कर सकें। तो आपको यहाँ पर WooCommerce में जाना है, WooCommerce में जाने के बाद आपको जाना है सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स में जाने के बाद अब आप देख सकते हैं कि जो हमने यहाँ पर फिजिकल एड्रेस डाला था, सेटिंग में जाने के बाद आप यहाँ से इन चीज़ों को भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें एक चीज़ रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ेगी कि आप दुनिया में अगर सारी जगह प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आप सेलेक्ट सेल लोकेशन जो होगी वो आप अपनी ऑल लोकेशन सेलेक्ट करेंगे, वरना अदरवाइज अगर सिर्फ पाकिस्तान में सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे। तो आपको तीसरा ऑप्शन सेल टू स्पेसिफिक कंट्री सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको ऐड कर देना है पाकिस्तान, या आप किसी सिटी भी कर रहे हो तो आप सिटी भी कर सकते हैं। तो आपको ये चीज़ कर देनी है और यहाँ पर आपको करेंसी अगर आप चेंज करना चाहें, डॉलर करना चाहें, डॉलर भी कर सकते हैं। तो आपको पहले ये सेफ चेंजेस करने हैं, उसके बाद आपको पेमेंट गेटवे की तरफ चले जाना है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा पेमेंट्स का, आपको पेमेंट्स पे जाना है और पेमेंट्स पे जाने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहे होंगे क्या क्या चीज़ें आप कौन कौन से पेमेंट गेटवे आप इंटीग्रेट करवाना चाहते हैं। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र, चेक पेमेंट्स, कैश ऑन डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी ना, तो कैश ऑन डिलीवरी को आप सेटअप कर सकते हैं, खाली मुझे चेक करना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक ऑप्शन आता है कि आप बैंक ट्रांसफ़र भी इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद कैश ऑन डिलीवरी, चेक पेमेंट, क्रेडिट कार्ड, स्ट्राइप, मैं क्रेडिट कार्ड से पेमेंट लेना चाहता हूँ तो मैं स्ट्राइप को क्रेडिट कार्ड कर दूंगा। उसके बाद आपको करना है यहाँ पर सेटअप पे क्लिक, सेटअप क्लिक के बाद वो पूछेगा आप क्रेडिट कार्ड क्या टाइटल दिखाना चाहते हैं, मैं सिंपल टाइटल रहने देता हूँ। अब यहाँ पर वो आपसे पूछेगा कि आप यहाँ पर पब्लिशेबल की दें, ये पब्लिशेबल की और ये वेबबुक सीक्रेट की कहाँ से आएगी, ये की आपके पास आएगी आपके स्ट्राइप के डैशबोर्ड से। तो आपने जहाँ से लॉगिन साइन अप करने के बाद लॉगिन करा था वहाँ पर आपको डैशबोर्ड पे जाना है, वहाँ पर जाने के बाद आपको जाना है सीधा सीधा डेवलपर्स पे। यहाँ पर आपको मिलेगा API कीज, आपको यहाँ पर एक API की रिवील करनी है। आपको सबसे पहले पब्लिशेबल की कॉपी करनी है, कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर आके पब्लिशेबल की डाल देनी है। उसके बाद आपको जो सीक्रेट की है वो आपको कॉपी करनी है, वो आपको यहाँ पर आके डाल देनी है। और ये आपको सिंपली जो है, अगर आप वेबबुक की भी डालना चाहते हो तो आप वेबबुक की भी की डाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अभी आप ये डालो तो आप ये इंटर करो। तो आपको सिंपली ये चीज़ कर देनी है और यहाँ पर आपको सेव चेंजेस कर देने हैं।
तो सिंपली यहाँ पर मेरे चेंजेस हो चुके हैं यहाँ पर, और मैं यहाँ पर आके अपनी साइट के ऊपर देख सकता हूँ। मैं रिफ्रेश करूँगा यहाँ पर, अब मैं इसको जाकर चेक करता हूँ कि ऐड टू कार्ट में मेरे जो इंटीग्रेशन है पेमेंट वो हो चुकी है नहीं हो गई। मैं यहाँ पर ऐड टू कार्ड करूँगा, एक मेरे 25,000 रुपये की डिटेल है, तो ऐड टू कार्ड हो चुका है मेरा, यहाँ पर कार्ड में शो हो रहा है। तो मैं चेकआउट पर क्लिक कर देता हूँ। चेकआउट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मुझे से पूछ रहा है कि आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कैश ऑन डिलीवरी जो जो मैंने पेमेंट्स का अलाउ करा है वो मुझे शो हो रहा है। अगर मैं क्रेडिट कार्ड करता हूँ तो वो क्रेडिट कार्ड का नंबर मुझसे डिटेल मांग लेगा, और यहाँ पर वो मुझसे पूछ रहा है क्योंकि मैं अभी टेस्ट मोड के ऊपर हूँ, तो मुझसे पूछ रहा है वो कि आप सिंपली ये कार्ड इंटर करके पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं ये इसको टेस्ट करने के लिए मैं खाली इसको इंटर कर देता हूँ। किस तरह यहाँ पर मुझे सबसे पहले अपनी डिटेल पहले सेंड करनी पड़ेगी, लाइक मैं इसको डिटेल भी कर देता हूँ ताकि मैं आपको करके दिखा दूँ। टेस्टिंग हाउस नंबर डिफेंस व्यू फेस टू अपार्टमेंट 11 22 33। मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ अभी खाली, तो मैं इसको पूरा पूरा ऐड नहीं करूँगा। पर्सनल कोड 7110 प्लस 9232125084 37 एंड एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन कोई भी नहीं है मेरे पास। मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा, जो मुझे अभी टेस्टिंग के लिए उन्होंने कार्ड दिया हुआ है, और मैं CVV मंथली कोई भी डाल सकता हूँ, मंथ 0 to 22 CVV 123। अभी टेस्टिंग है, सेव अकाउंट, और यहाँ पर प्लेस ऑर्डर करके देखता हूँ अभी कि क्या होता है, कि टेस्ट मेरा पेमेंट गेटवे चल रहा है या नहीं चल रहा। प्लेस ऑर्डर हो रहा है, तो क्या कहते हैं मेरा चेकआउट हो चुका है, मेरा ऑर्डर भी कम्प्लीटली हो चुका है, उन्होंने बिलिंग एड्रेस भी दे दिया, हर चीज़ दे दिया। तो यहाँ पर ये बात हो चुकी है कि मेरा जो पेमेंट गेटवे है वो भी सक्सेसफुली इंटीग्रेट हो चुका है, और मेरी जो साइट है वो रनिंग कंडीशन के अंदर है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं जब हम यहाँ पर गए तो यहाँ पर उसने बोला कि आप टेस्टिंग कार्ड करें। ये उसने क्यों करा, क्योंकि हमने वहाँ पर जो ऑप्शन दिया था वो हम लोगों ने दिया था कि अभी हम लोग टेस्टिंग मोड पे इनेबल, तो हम इसको डिसेबल कर देते हैं। लाइव पब्लिशेबल की का वो दोबारा बोलेगा अब हम टेस्टिंग नहीं कर रहे, अब हम दोबारा ये कीज डालेंगे और अब ये कीज होंगी हमारे पब्लिक। मैं कॉल देख लूँगा पब्लिशेबल की है मेरे पास, यस, पर यहाँ पर ये सीक्रेट की है, यस, ठीक है। और यहाँ पर मैंने जाकर इसको दोबारा सेव चेंजेस कर दिए। तो अब ये हमसे वहाँ पर ये नहीं बताएगा कि आप इस कार्ड के थ्रू पेमेंट करिए, आपको डायरेक्टली बताएगा कि आप अपना कार्ड कोई भी इंटर कर सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं। वीजा अगर कार्ड में पेमेंट हुई और ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गई तो जिस तरह मुझे कंफर्मेशन का मैसेज मिला था उस तरह हमें कंफर्मेशन का मैसेज मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ होती है कि हमें सिंपली यहाँ पर हमने देख लिया कि हमने एक ई कॉमर्स साइट क्रिएट करी, और क्रिएट करने के बाद हमने उसको थोड़ा बहुत कस्टमाइज करा अपने मुताबिक, और इसमें आप और प्रोडक्ट इंटर करें हम लोगों ने, और इसमें बटन्स एंटर करें हम लोगों ने, साथ साथ हमने कॉन्टैक्ट का जो पेज है उसको कस्टमाइज करा, और उसके साथ साथ हमने एक पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करवाया जिसके बाद हम पेमेंट्स और जो हमारे कस्टमर थे वो हमें पेमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि हमारे पास जो पेमेंट आएंगी वो हमें किस तरह पता चलेगा। तो हमारे पास दो तरीके हैं यहाँ पर, एक तरीका तो यहाँ पर हम ऑर्डर्स में जाएंगे, जिस तरह मैंने वहाँ से ऑर्डर करा, तो यहाँ पर आप वूकॉमर्स के ऑर्डर्स में जाएंगे तो मेरे पास आ जाएगा कि हसन लतीफ़ ने ऑर्डर करा है, जो प्रोसेसिंग के अंदर है ये इनका टोटल है। तो यहाँ पर मैं अब क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर एक आ जाएगा कि उन्होंने क्या ऑर्डर करा है, कब ऑर्डर करा है, डिफरेंट सारी डिटेल और हर चीज़ यहाँ से आप मैनेज कर सकते हो। तो एक यहाँ से, और यहाँ बात आती है कि जो आपकी पेमेंट है वो कहाँ पर आएगी। पेमेंट जो आपके पास आएगी वो आपके पास पेमेंट्स में आप जाओगे, यहाँ पर देख रहे हैं आप, देखते यहाँ आपके पास डिस्क्रिप्शन आ जाएगी कि यहाँ से पेमेंट आई है आपके पास, इस कस्टमर ने करी है, तो आप यहाँ से पेमेंट आप कलेक्ट कर सकते हो और वहाँ से आप अपना ऑर्डर देख सकते हो, और उसको मैच करते हुए आप यहाँ से अपनी जो शॉप है ई कॉमर्स स्टोर है उसको लाइव आप चला सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।
और मैं चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। शुक्रिया।